हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएचएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर। जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जो भी नोटिस आपको सर्कुलेट कराई जा रही है यूट्यूब पे या जो भी आप देख पा रहे हैं नोटिस, उसके क्लियरेंस की बात करेंगे और साथ में मेरा क्या आपका जो है इसके रिगार्डिंग सोचना है उसकी बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे आपके जो हैं कॉल मैसेज और साथ में आपके तरह तरह के जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर आप मैसेज कर रहे हैं। देखिए, मैसेज करना भी लाजमी है। उसका रीज़न ये है कि आप जो हैं जिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन 2 से 3 साल पहले से आप स्टार्ट कर दिए हैं, आपका भी सपना है कि एक अच्छे आप स्कूल में पढ़ाई करें, अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करें और साथ में जो भी आपने सपने देखे हैं वह आपके सपने पूरे हों। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करते हैं और साथ में बाद में आपको पता चलता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही नहीं कंडक्ट कराया जाएगा और उसका रीज़न क्या दिया जाता है कि आपका COVID-19 पेंडेमिक। हालांकि देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बता दें कि जब तक आपका BHUonline.in जो आपकी BHU की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जहाँ से हमने फॉर्म को फिलअप किया है और आप कह सकते हैं कि जहाँ पे सभी आपके BHU के आपकी जितने भी आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले वहाँ पर आपका पोस्ट किया जाता है और साथ में इसके ऑफिशियल आपका ट्विटर हैंडल जो है BHU VC सर का, या आप बोल सकते हैं कि BHU ऑफिशियल का ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर आपको जानकारी दी जाती है। अभी पूर्ण रूप से आपकी जानकारी जो है नहीं दिया गया है और साथ में जो भी आपका न्यूज निकल कर आ रहा है उसमें न तो कहीं पर भी आपकी SAT की बात की जा रही है। SAT का मतलब होता है कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2021। वहाँ पे आपके न्यूज में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि आपका CHS क्लास 6वीं, 9वीं या 11वीं का पेपर जो है वह आपका नहीं कराया जाएगा। वहाँ पे साफ सुथरा ऐसी बातें भी नहीं आपको वहाँ पे मेंशन किया गया है। वहाँ पे किस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात की जा रही है वहाँ पे आपको क्लियरली जो है नोटिस आपका सर्कुलेट किया जा रहा है या सर्कुलेट हुआ है, उस पर हमने भी आपको जो है प्रतिक्रिया दिया था कि देखिए, जब तक आपका BHUonline पर कोई भी आपकी नोटिस इस तरीके से नहीं आ जाता है, या आप बोल सकते हैं कि जो एडमिशन की प्रक्रिया है आपके लॉटरी हो सकता है या मेरिट बेस्ड जिस भी प्रकार से कराया जाता है, जब तक यह कंफर्मेशन नहीं हो जाता है तब तक हम इतना बोलेंगे कि आप जो है थोड़ा सा वेट करिए, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कि बोला जा रहा है कि 20 जुलाई तक आपके जो है इस विषय पे क्लियरेंस हो जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं वह पूर्ण रूप से कैंसिल हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाता है तो देखिए, इस पर दो बातें हैं। सबसे पहली बातें ये हैं कि अगर आपका लॉटरी बेसिस पे आपका चयन प्रक्रिया कराया जाता है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आपका जो है आपका JMI जो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है और साथ में आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, BHU की ही तरह आपके यूनिवर्सिटी हैं, और साथ में आपके नवोदय विद्यालय हो गया, RIMC देहरादून हो गया, और साथ में तमाम तरीके के आपके एंट्रेंस परीक्षाएँ कराई जा रही हैं, तो आपका CHS जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं क्यों करा रहा है। और दूसरी बातें ये आती हैं कि अगर बोला जाता है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया, बोर्ड एग्ज़ाम को भी आपका कैंसिल कर दिया गया, तो उसी तर्ज पे CHS के भी एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है। तो देखिए, इसमें दो बातें हैं कि जो CHS का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वह आपका वन डे एग्जामिनेशन है। आप एक दिन एग्जामिनेशन देने आएंगे, आपका बार बार पेपर नहीं कराया जाएगा। आप 6वीं के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो आपका एक दिन ही एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जो भी डेट होगा वह आपका कराया जाएगा। और 9वीं 11वीं पर्टिकुलर वन डे एग्जामिनेशन है, मतलब आपका एक दिन ही एग्जाम होता है। लेकिन जो CBSE का एग्जाम होता है उसमें जो होते हैं स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू आपका CHS, और साथ में वह आपका वन डे एग्जामिनेशन नहीं है, उसमें आपके जो होते हैं 5 पेपर होते हैं, अलग अलग आपके पेपर कराए जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका CBSE के तर्ज पर इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैंसिल करना बहुत ही आप कह सकते हैं कि बड़ी चूक होगी CHS की, अगर वह आपका नोटिस में यह मेंशन करता है या अपने बातों को इस हिसाब से क्लेरिफिकेशन करता है। देखिए, अभी भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, इसीलिए हम भी कुछ भी आपका प्रतिक्रिया नहीं दिया जा रहा है कि आगे क्या किया जाएगा, क्या ट्विटर के माध्यम से क्या किया जाएगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों
के साथ जो सेचर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ में हमने ट्विटर पे भी आपका जो है एक ट्वीट किया है जिसमें आपका इस नोटिस के रिगार्डिंग जो भी आपका स्पष्टीकरण है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए। कम से कम आपका स्पष्टीकरण तो हो जाए कि यह जो नोटिस आपकी चल रही है सेचर्स के ही रिगार्डिंग, स्पेशली सेचर्स के रिगार्डिंग ही दिया गया है, या आप बोल सकते हैं कि एसईटी के रिगार्डिंग दिया गया है। अब बात आती है कि अगर कुछ ऐसा आपका पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका लॉटरी कराया जाएगा या मेरिट आपका सिस्टम या मेरिट बेस आपके एडमिशन प्रक्रियाएं कराई जाएंगी, तो उन बच्चों के सपनों का क्या होगा जो लगातार आपके दो से आपके तीन साल से कड़ी मेहनत करें स्कूल में एडमिशन पाने के लिए, और साथ में उनके सपनों का क्या होगा, उनके सपनों को कुचला जा रहा है। आपका एडमिशन किस बेसिस पे कराया जा रहा है, लॉटरी पे, एक जुए के माध्यम से आपका एडमिशन कराया जा रहा है जिसमें आपका एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत आपके पॉइंट में है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता या संभावना चैप्टर पढ़ा होगा, स्पेशली हम मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ाते हैं, प्रायिकता को पढ़ाते हैं, तो उसमें जो पॉसिबिलिटी होती है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आपका बच्चों का जो भी प्रतिभावान छात्र हैं, जो भी बहुत ही अच्छे पढ़ने में हैं, मेधावी छात्र हैं अपने स्कूल के, उनके सपनों को तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर लॉटरी या आपका मेरिट बेस होता है तो एक प्रकार से कुचला जा रहा है। अगर आपका जो होता है 11th में मेरिट बेस की बात आती है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी अभी नहीं है, क्योंकि जब तक क्लियरेंस नहीं है तब तक आपका ऐसा कुछ माना नहीं जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान में आप रखिएगा इस बात को कि जब तक आपका BHUonline.in पर ऐसी कोई नोटिस नहीं आ जाती तब तक आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को मत छोड़िए, क्योंकि जो फ्लो बना रहता है उसको बनाने में, कंटिन्यूटी को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और आपका माइंडसेट हमको पता है कि आप जो हैं परेशान हैं, पैनिक है, क्योंकि यह जो नोटिस है वो सेचर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो सेचर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नोटिस डाली जाती है, तो उसमें भी क्लेरिफिकेशन करने के बाद ही दिया जाता है। अगर हम मेरिट बेस की बात करें कि उसमें क्या आपकी जो होती है आपकी ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो जो बच्चे आपके बिहार बोर्ड से हैं जिनका एग्जामिनेशन हुआ है, जो बच्चे आपकी CBSE यूपी बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से हैं, उनका जो है एग्जामिनेशन ही नहीं कराया गया तो उस बेसिस पे आपका रिजल्ट बन रहा है, तो यह भी एक बहुत ही ज़्यादा आपकी बच्चों के साथ पार्शियलिटी होगी। तो जो हमने आपका जो है ट्विटर पे एक आपका ट्वीट किया है जिसमें इस नोटिस का स्पष्टीकरण करने की बात हमने वहाँ पे रखी है, इस ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है ट्वीट मैंने किया है उसी को आपको रिट्वीट करना है, कोई भी अलग से अपने से आपको अभी ट्वीट नहीं करने की ज़रूरत है। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ज़रूर ट्वीट को उसको रिट्वीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है उसको रिट्वीट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके मित्र, दोस्त, फैमिली मेंबर या जो भी इस वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं उसको देखिए रिट्वीट करने की ज़रूरत है। जब तक आपका स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है तब तक हम नहीं मानेंगे कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है। उसका रीजन यह है कि जो भी आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नोटिस आपकी आती है वह आपका www.bhuonline.in पर आता है या आपका इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आता है, तो अभी ऐसा स्पष्टीकरण आपका नहीं आया है तब तक आप जो है अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं माने। लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बनती है या नोटिस आपके फ्यूचर में आता है, तो हमने जो भी बताया है कि किस आपके लॉटरी से क्या होगा या आपका मेरिट बेस से क्या होगा, या बेसिकली आपके उन बच्चों के लिए आपको प्रॉब्लम फेस होगा जो गरीब वर्ग से हैं, जिनका सपना है एक आपके प्रतिष्ठित आपके विद्यालय में पढ़ने का, जिनका सपना है कि बहुत ही अच्छा मेहनत वो करें, लगातार दो से तीन साल की मेहनत करें। मेरे यहाँ भी ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को कॉल करके अपनी जो है प्रतिक्रिया बता रहे हैं कि सर हमने दो से तीन साल रात दिन एक करके मेहनत किया है, मेरे जो हैं पेरेंट्स जो हैं इतने कैपेबल नहीं हैं कि हमको एक अच्छे CBSE स्कूल में पढ़ा सकें या फीस को वह जो हैं फुलफिल कर सकें, इसीलिए हमने सेचर्स का जो है आपका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और यह सभी न्यूज आ रहा है, इस पर आप भी सर स्पष्टीकरण दीजिए, आप भी अपनी प्रतिक्रिया को बताइए। तो मेरी देखिए यही प्रतिक्रिया है, यही रिएक्शन है कि जब तक आपका इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब तक अपडेट नहीं आ जाता है कि कैसे आपके एडमिशन प्रक्रियाएं कराई जाएंगी, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है, और साथ में हमने
हमने जो ट्विटर का लिंक दिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट कीजिए, जिससे आपका नोटिस आ जाए, आपका क्लेरिफिकेशन हो जाए कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन या आपका चयन जो प्रक्रिया होगा, एडमिशन प्रोसेस होगा, उसका क्या मीडियम रहने वाला है, उसके बाद आपको क्या करना है इस चैनल पर बताया जाएगा। तो इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को एक हल्के फॉर्म में बोल सकते हैं, फ्लो में आप करते रहिए, क्योंकि जो भी आप पढ़ाई करते हैं ऐसा नहीं है कि वह आपका बेकार जाता है, कहीं ना कहीं उसका आपका कनेक्शन आपके लाइफ से रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ में जो भी आपके मन में आपके प्रश्न हो रहे होंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।